अच्छा वो कौन था? एक शिव मंदिर था, पे किसी ने ओम बनाया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। नमस्कार दोस्तों, सांपों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उसी सिलसिले में, उसी अंदाज में स्नेक स्क्वाड आप लोगों के सामने हाजिर है और साथ में मैं हूँ सर्प मित्रा अर्पण मजुमदार। दोस्तों आज सुबह ही काम पे आते टाइम एक रेड स्नेक रेस्क्यू हुआ है और फाइनली चित्री डैम के पास उसको रिलीज करने आए हैं। तो स्नेक को दिखाते हैं, स्नेक के बारे में जानकारी देते हैं और उसको रिलीज करते हैं। और आप लोग सोच जाओ कि रेस्क्यू का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, इसलिए कि मैं अकेला रहता हूँ, उस टाइम वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं रहता। अभी कोई वीडियो कर रहा है शूट, इस वजह से वीडियो मिल रहा है। तो देखिए काम के बीच ही मैं स्नेक को रिलीज करने आया हूँ। देखिए बहुत ही गुस्से में है फिलहाल, देखिए बहुत ही गुस्से में है। तो इसको छोड़ने से पहले मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। एक इंडियन रेड स्नेक है और इसका साइंटिफिक नेम है टायस माकुसा। तो देखिए बाइक करने की कोशिश कर रहा है कैसे, ये बिल्कुल नॉन वेनमस स्नेक है, इसके बाइट से किसी का जान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत ही जोर बाइट करते हैं। बाइट करके बॉडी का मास जो है पूरा उठा लेते हैं। देखिए देखिए, और ये कोबरा के जैसा मिमिक्री करते हैं। लेकिन इसको मैं तकलीफ देना नहीं चाहता, इसका जो मूवमेंट है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले ये कोबरा नहीं है, एक रेड स्नेक है। मराठी में इसको धामिन कहते हैं और बांग्लाई बोला है दारास सांप। ये काफ़ी लंबा होता है और अलग अलग कलर में दिखता है, ब्लैक में भी होता है, व्हाइट में भी होता है, येलो में भी होता है, जो एश कलर होता है उसमें भी होता है। और ये जब गुस्सा होता है, देखिए इसके मुंह के तरफ ऐसे ही डिजाइन बना हुआ रहते हैं, देखिए कोबरा के जैसा इसका फेस रहते हैं। देखिए और इसका साउंड सुनिए, इसका साउंड होता है एकदम कोबरा के जैसा, लेकिन ये कोबरा नहीं है, एक इंडियन रेड स्नेक है। देखिए देखिए देखिए, देखिए इसका मूवमेंट, देखिए देखिए देखिए, नास्तिक कैसे जाम करके बाइक करते हैं। देखिए देखिए ऐसे ही जाम करके बाइक करते हैं और थोड़ा सा नज़दीक आओ, नज़दीक से दिखाओ इसका जो अटैक होता है कैसा होता है। देखिए ये देखिए ऐसे मूवमेंट को ऐसे बाइक करते, देखिए जाम करके एकदम। तो चलिए इसको पानी के पास ही रिलीज करेंगे ताकि गर्मी में इसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, नहीं तो ये कहीं पे जाकर छूट जाएगा, इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और नज़ारा दिखाएंगे आपको पानी के पास कैसा नज़ारा होता है, थोड़ा नज़दीक आओ। देखिए इस जगह पे ओम भी बना हुआ है और वो देखिए मंदिर, मंदिर को थोड़ा दिखाइए कैमरा से। एक शिव मंदिर था, करीबन 100 साल पुराना शिव मंदिर है और शायद इस जगह पे किसी ने ओम बनाया है। तो इसी जगह पे इस स्नेक को पानी के पास रिलीज करते हैं, इसका जिस जगह पे मर्जी होगा जंगल में जाएगा। देखिए तो इस जगह से मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए अभी वो पानी में गया है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारा सूचना पहुँचे और ऐसे बेजुबान की जान हम लोग बचा सके। और वीडियो इसलिए शेयर कीजिए ताकि लोगों को सांपों के बारे में जानकारी मिले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने अभी तक स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि स्नेक वाइल्ड लाइफ में जितने एनिमल्स है उसका रेस्क्यू रिलीज इन्फॉर्मेशन का वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला, जय महाराष्ट्र।